जनपद सहयोग मंच द्वारा शहीद स्मारक धर्मशाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमिलनाडु के कुन्नूर में घटित हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित सैन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप लोग भी आ जाओ। भारत तिब्बत सहयोग मंच हिमाचल प्रदेश की ओर से आज यहाँ वॉर मेमोरियल में हमारे तिब्बती भाई बहन जो सदस्य हैं और हमारे धर्मशाला निवासी जो भारत तिब्बत सहयोग मंच हिमाचल के निवासी हैं एकत्रित हुए हैं अपनी श्रद्धांजलि जनरल विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी और जो 11 शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमें पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद समय से बीत रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनरल रावत जी, उनकी पत्नी और 11 शहीद सदस्यों की आत्मा को शांति प्रदान करें। इसी तरह से हम तिब्बत भारत से तिब्बत सहयोग मंच के तरफ से आज यहाँ जनरल साहब को और उनके साथ में जो हम शहीद हुआ है उनके लिए श्रद्धांजलि देने आया हूँ। जो हमारा तिब्बती समुदाय है उनको ये क्योंकि हम जब हमारा देश को चीन ने कब्जा किया है तब से हम यहाँ 60-70 साल रह रहा है। जो भारत लोग ने हमको जो प्यार मिला, जो हमको सुविधा दिया, जो हमसे जो प्यार दिया था उसका, और ख़ास करके जो अभी जनरल साहब ने जो भारत को आगे ले जाने के लिए, हमारा भाई जैसा इधर है फौजी में, ये भी फौजी में बैठा है, कई लोग हमारा फौजी से 22 से आया, इन लोगों ने फौजी में क्या सुविधा है, क्या क्या जनरल साहब का क्या रवा है, मतलब उनका क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उसी के बारे में हमें बताया जाता था। ख़ास करके हमने अभी जब से CDS बनाया था साहब जनरल साहब, तब से हमने उनका जो जोश देखा था, जो अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए जो अपने कंट्रीब्यूशन व्हाट ही मेट इन लास्ट 2 years, इट इज़ रियली अमेजिंग, इट इज़ टोटली अनइमेजिनेबल। सो इट इज़ अ बिग लॉस टू द इंडियन पीपल, इंडियन कंट्री भारत, पार्टिकुलरली वी ऑल्सो शेयर द सेम पेन ऑफ द जनरल्स फैमिली एंड अदर ब्रिगेडर्स एंड अदर सोल्जर्स।